वेलकम टू एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे बायो सेवर्ट लॉ के बारे में। इसको चालू करें, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सारी वीडियोस को आपने अच्छे से देखा होगा, तब जाके आपको ये लॉ बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि इसमें थंब रूल वगैरह का इस्तेमाल होने वाला है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम देखेंगे बायो सेवर्ट लॉ के बारे में। बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ के बारे में हमें देखना है। आपने अक्सर सुन रखा होगा, जब दो वायर एक साथ काम कर रहे हों तो वहां पे आपको कुछ मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, और जो वायर के जितना पास जाते हैं वो उतनी ज्यादा हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? हर चीज के बारे में ये लॉ बताता है, तो आइए देखते हैं। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास में कोई पॉइंट पी जिस पे इस करंट का इफेक्ट पता चल रहा हो, ये करंट कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे दे रहा है हमें ये पता करना हो, तो हम ऐसी जगह पे हम क्या लगाते हैं? बायो सेवर्ट लॉ। एक बार फिर देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर उसके नियर बाई पॉइंट, उसके पास के किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है, ये कौन बताता है? बायो सेवर्ट लॉ। चलिए अब देखते हैं आगे। मैंने कह दिया कि ये पॉइंट P है, अगर ये कुछ पॉइंट फील कर रहा है तो इसके पर्टिकुलर पॉइंट किसी पॉइंट से हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से इसकी दूरी R है, इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, और ये जो हम लेंथ ले रहे हैं, एक किसी छोटे से कंडक्टिंग मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। हम जो लेंथ की बात कर रहे हैं, इतने पूरे वायर की छोड़ करके वायर के कुछ पोर्शंस की हम बात कर रहे हैं। इतना पूरा लेंथ L था, ये जो वायर यहाँ पॉइंट ए से लेके बी तक है, इसका लेंथ मान लेते हैं क्या है? एल है। लेकिन हम पूरे वायर का एक साथ कैलकुलेट करें, उससे अच्छा है कि हम किसी छोटे से पॉइंट के बारे में कैलकुलेट कर लें, बाद में उसको इंटीग्रेट कर दें। तो इसके लिए हमने मान लिया यहाँ पे कितनी लेंथ है? डीएल। एक छोटा सा टुकड़ा तार का, इतने बड़े तार का एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटे से हिस्से की हम बात कर रहे हैं, जो ये है। इससे हम देख रहे हैं इस इतने से तार के कारण इसके ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो जरूरी सी बात है, अगर इसके कारण कोई भी इफेक्ट आएगा, तो यहां पे बनने वाला जो फील्ड है वो कम होगा कि ज्यादा होगा? बिल्कुल कम होगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा वायर है। पूरे के लिए ले लेते तो ज्यादा हो जाता, छोटे के लिए ले रहे हैं तो कम है। तो अब आपको पता चला कि इसके अंदर मिलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? बहुत छोटी हैं। अगर ये छोटी हैं तो अगर इस वायर में करंट की मात्रा बढ़ाएं तो फील्ड बढ़ेगा कि घटेगा? बिल्कुल बढ़ जाएगा। तो हमने कह दिया ये करंट के कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेम प्रोसेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कह दिया डीवी इज प्रोपोर्शनल टू, अब हमने ये छोटा सा हिस्सा ले रखा था ना,
डीएल का हमने छोटा सा हिस्सा ले रखा है, अगर हम ये पूरा वायर ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि घटेगी? बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो हमने कह दिया ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहीं से देखिएगा इसका एंगल, हम एंगल की बात कर रहे हैं, अगर ये एंगल जो एंगल के साथ रिलेशन है तो इसके साथ इसका जो रिलेशन होता है डीवी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये होता है। वैसे ही डीवी इसके साथ जो फ्लैट ट्रायंगल बन रही है इनके बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² के। अगर ऐसा है तो इन सारे फैक्टर्स को एक साथ करके अगर हम लिख दें तो डीवी इज प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को आपको हटाना है तो आपको क्या लगाना होगा, एक कांस्टेंट फैक्टर। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो एक कांस्टेंट फैक्टर लगाना होगा जिसे हम कहते हैं डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4π आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही आपका बायोट सेवर्ट्स लॉ है जो कि बताता है कि किसी भी नियर बाय पासिंग कंडक्टर के उस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है हम इसे कैसे कैलकुलेट करें। यहाँ पे कंडक्टिंग वायर में पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है। अगर ऐसा है तो इतने टर्म्स में आप देख रहे हैं, इतने टर्म्स में देख रहे हैं, अगर हम इन दोनों का फैक्टर्स कर लें आई डी एल साइन थीटा दोनों साइड ऊपर नीचे आर का गुणा भाग कर दिया जाए, आर का गुणा आर का भाग करने पर आपको मिलेगा डी बी वैक्टर। वैक्टर फॉर्म में अगर हम फील्ड की बात करें तो म्यू नॉट बाई फोर पाई आई डी एल वैक्टर का एक फॉर्म क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर बाई आर क्यूब, इसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वैक्टर फॉर्म, वैक्टर फॉर्म में डेवलप होने वाली मैग्नेटिक फील्ड। चलिए यहीं से डिफिनेशन भी हम बनाएंगे इसी के लिए जो आपने देख रखा है। इट स्टेट्स दैट, क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट, क्या समझा रहा है, एट एनी पॉइंट किसी पॉइंट पे क्या बन रहा है यहां पे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट डेवलप्ड मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण बन रहा है, ड्यू टू कैसा वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू नियर बाय क्यों कर दिया, क्योंकि पास में है, नियर बाय करंट करंट कैरिंग कंडक्टर किसके कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। अब कर क्या रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कैन बी कैलकुलेटेड
बाय किसके कारण है? बायोट सेवर्स लॉ, बायोट सेवर्स लॉ। एक बार फिर देख लेते हैं क्या बता रहा है ये स्टेट्स दैट, ये क्या बता रहा है इट स्टेट्स दैट, यह बताता है एट एनी पॉइंट किसी पॉइंट पे डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड किसके कारण, ड्यू टू नियर बाय करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके पास में फ्लो होने वाले करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? बायोट सेवर्स लॉ के द्वारा। क्लियर हो तो और आगे बढ़ेंगे। चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब आपको कंडक्टिंग वायर के कारण नियर बाय कंडक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमने मान लिया एक वायर M N है हमारे पास, जिसमें करंट का फ्लो I हो रहा है, I करंट फ्लो कर रही है। इस पे जो पॉइंट ले रहे हैं हम, अब इसका पॉइंट हम मान लेते हैं P, इतनी दूरी पे यहाँ पे है, यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले ली है डी, डी दूरी। इसके यहां से बनने वाला एंगल, ये एंगल अल्फा है, इसके इस पॉइंट से बनने वाला एंगल ये पॉइंट पे बनने वाला एंगल बीटा है, उसमें क्या माना गया था स्मॉल कंडक्टर, कंडक्टर का एक छोटा टुकड़ा मान लिया था हमने, कह दिया ये कंडक्टर का एक छोटा टुकड़ा है जिसकी दूरी डीएल है। अब इस पे दो पॉइंट्स बन रहे होंगे, एक ये नीचे वाला और एक ये ऊपर वाला, ध्यान दीजिएगा इस एंगल को मैंने कह दिया ये थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, एक छोटे टुकड़े की बात कर रहे हैं तो ये एंगल होगा हमारा d ऑफ थीटा, क्या होगा d ऑफ थीटा। वहां दूरी क्या मानी गई थी कंडक्टर के बीच की, r, यहां भी मान लेते हैं r, ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं L, यहां से यहां तक की। अब इनके बीच में आपको dB लिखनी है, dB means इनके बीच में बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे क्या लिखा था dB बराबर करंट थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये तो कांस्टेंट टर्म है, करंट सब में थी, उसमें भी है इसमें भी है, डीएल छोटा सा टुकड़ा था डीएल आ गया, साइन थीटा वहां एंगल ध्यान रखिएगा इसके बीच में लिया गया था, तो यहां पे क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, आप इधर से भी एंगल ले सकते हैं इधर से भी ले सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन में उसमें क्या था आर स्क्वायर, यहां पे क्या आ गया आर स्क्वायर। ये तो जैसा आपने पढ़ रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में वैसे है, लेकिन एग्जाम टाइम पे डायरेक्ट तो इजी दे नहीं देता, कुछ ना कुछ तो कॉन्सेप्ट लगाना ही है, तो क्या करेंगे, अब हमें इसको फाइंड करना है इस d के टर्म्स में, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के टर्म में हमें इसे फाइंड करना है।
तो इस छोटे से एंगल में ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं इसको ओ क्यू, ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू में ये एंगल थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, ये आर है, ये एल है और ये डी है। इनके बीच में रिलेशन लिखी जा सकती है? बिल्कुल लिख सकते हैं। आर बराबर डी बाई कॉस थीटा, चेक कर लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, मतलब डी बाई आर, आर को इधर भेज दिया, कॉस थीटा को इधर भेज दिया। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी सेक सेक थीटा, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, डी सेक थीटा। यहीं से एल के टर्म्स में एल क्या लिख सकते हैं, एल क्या लिख सकते हैं, एल के टर्म्स में ध्यान दीजिएगा, इसको हम डी के टर्म्स में लिख रहे हैं, टेन थीटा बराबर होता है एल बाई डी, टेन थीटा बराबर एल बाई डी, तो एल बराबर डी टेन थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे एल है लेकिन यहां पे एल तो है नहीं हमारे पास, फिर क्या रखते हैं, डीएल। डीएल कैसे मिलेगा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, तो डीएल बाई डी थीटा बराबर डी टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा, जिसको ना पता हो कैलकुलस में देख सकता है, डी सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको मिल जाएगा डीएल बराबर डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक इक्वेशन दो इक्वेशन दोनों को उठा के यहां रख दिया जाए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, रख दीजिए। तो यहां से आपको मिल जाएगा डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई ऐसे ही आ गया, डीएल की जगह हमने रख दिया है डी सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस ऑफ थीटा, आई ऐसे ही आ गया, डीएल की जगह डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इससे आ गया, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, इसलिए ये आ गया। अपॉन में आर की जगह देखिएगा डी सेक थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए कुछ कट रहा होगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, एक डी से ये डी कट गया, आपको क्या मिल गया, ध्यान दीजिएगा, डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट टर्म आई बाई डी कॉस थीटा डी थीटा। अगर ये एक छोटे फील्ड की बात कर रहा है तो अगर इंटीग्रेशन कर दें तो कैसा फील्ड हो जाएगा, बड़ा फील्ड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर दिया 0 से b तक के लिए, यहां पे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम एंगल किधर है, माइनस बीटा, मैक्सिमम एंगल अल्फा, तो माइनस बीटा से लेके अल्फा तक। अगर ऐसा हो रहा है तो b बराबर आपको मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आई बाई डी साइन अल्फा प्लस ऑफ साइन ऑफ बीटा, करके देख लीजिएगा।
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट पुट करेंगे तो साइन अल्फा, दूसरी लिमिट पुट करेंगे तो माइनस पहले से आएगा, दूसरा माइनस अंदर मिलेगा, माइनस माइनस बाहर होके प्लस। इसको हम कह सकते हैं मेन फॉर्मूला जो ज्यादातर जगह पे एग्जाम में यूज होता है। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी फॉर्मूला। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहा जाए, इसके बाद हम देखेंगे अगर यही वायर, अभी तो वायर मैंने एक फाइनाइट लेंथ की बात करी कि जिसका कुछ ना कुछ निश्चित लेंथ हो और कुछ दूरी पे ये रखा हो, अब कह दिया जाए अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ तक लंबा हो, बहुत लंबा वायर हो, तो उस केस में इसमें क्या आएगा। आपने अक्सर सुन रखा होगा कि जैसे जैसे कंडक्टिंग मटेरियल के पास जाते हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड फील होती है, तो वो क्यों होता है। मैग्नेटिक कंडक्टिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो दूर जाने पर कम दिखती है या कम फील होती है, और पास आने पर ज्यादा फील होती है, ऐसा क्यों होता है, यही बात अब हम इसमें देखेंगे। करना क्या है, इनफाइनाइट लेंथ की बात हो रही है, हमने एक वायर खींच दिया जो इनफाइनाइट लेंथ का है, बहुत लंबा वायर, पॉइंट ए पॉइंट बी। बोर्ड पे मत जाइएगा क्योंकि बोर्ड छोटा है, तार छोटा दिख रहा है, लेकिन हमें जो वायर देखना है, एज्यूम करना है, वो कैसा वायर हो, बहुत लंबा इनफाइनाइट लेंथ का। तो अगर कोई चीज बहुत इनफाइनाइट बहुत दूर की है, तो अगर हम किसी पॉइंट पी से बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट पी से बात कर रहे हैं, तो ये देखने पे बहुत दूर लगेगा कि नहीं लगेगा। मतलब अगर अभी हम ये जो पॉइंट मिला रहे थे ऐसे, अब अगर ये इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगा तो पैर लाइन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। अरे इसके साथ लाइन पैरेलल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। पटरियां, रेल की पटरियां कहां जाके मिलती हैं, अनंत पे। तो हम कह सकते हैं इसके साथ जो बनने वाली लाइन होगी वो इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, मान लिया हमने। इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी डी है, अभी देखा था हमने। इसके बीच में एंगल कितना बन गया, अभी अल्फा और बीटा बना था, अब कितना बन गया, 90 डिग्री, और यहां 90 डिग्री। ये एजम्पशन है, ऐसा हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा है एग्जैक्टली। इनफाइनाइट वायर की लेंथ क्या आप नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। तो हम मानते हैं कि ये अनंत है, तो बहुत दूर जाके कहीं मीट कर रही होगी, और ऐसी जगह जाके मीट कर रही होगी जहां पे ये लाइंस कैसी फील होने लगेंगी, बिल्कुल पैरेलल, जैसे रेल की पटरियां। वो कहां जाके मिलती हैं, अनंत पे जाके, लगता है कि आगे जाके मिल रही हैं, दूर से खड़े होकर देखिए आपको लगेगा कि वो जाके आगे मिल रही हैं, लेकिन वो मिलती नहीं है, बराबर वैसे ही चलती हैं। सेम प्रोसेस, 90 डिग्री ये हो गया, इसकी जगह रख दीजिए। B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई डी, ऐसे ही आ गया, साइन 90 1, साइन 90 1, दोनों जगह अगर ये 1 1 आ गया, साइन अल्फा साइन बीटा दोनों का मान अगर 1 1 आ गया तो आपको मिलेगा क्या, 1 प्लस 1 मीन्स 2, बीटा बराबर 2 या म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई आई बाई डी फॉर इनफाइनाइट लेंथ। किसके लिए बात हो रही है, ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए बात हो रही है। यहीं से फील करिएगा, इसी फॉर्मूले से हम देखेंगे
अब इस पॉइंट को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, पास ला रहे हैं। इस पॉइंट को P को एक बार हमने यहां एज्यूम कर लिया, उसके बाद एक बार यहां एज्यूम कर लिया, अगली बार में इसको हमने यहां एज्यूम कर लिया। वायर को जैसे जैसे पास लाते जाएंगे तो D का मान घटेगा, D का मान घट रहा है। अगर D का मान घट रहा है तो B का मान क्या होगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा, B का मान बढ़ जाएगा। ये तो यहां एक जगह से दिख रहा है, एक जगह से दिख रहा है कि इससे बढ़ रहा है। अब एंगल के ऊपर देखिएगा, जैसे जैसे पास आते जाएंगे, मान लेते हैं ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस जगह से तीन एंगल मान रहे हैं, इसको मान लिया अल्फा वन, इसको मान लिया अल्फा टू, इसको मान लिया अल्फा थ्री। तीन एंगल हैं, ऐसे ही नीचे भी बनेंगे अभी। तो अल्फा वन, अल्फा वन अल्फा टू से बड़ा होगा कि छोटा, छोटा होगा ना, अल्फा टू से छोटा है। वैसे ही अल्फा थ्री और बड़ा होगा। साइन टर्म्स में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, साइन के टर्म में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो साइन ऑफ अल्फा थ्री इज ग्रेटर देन साइन ऑफ अल्फा टू इज ग्रेटर देन साइन ऑफ अल्फा वन। पहले के केस से साइन का मान बढ़ रहा है, ये मान बढ़ने लगा। अगर इधर का बढ़ रहा है तो ये भी तो बढ़ेगा, ये भी बढ़ने लगा। दोनों मिल करके मान लेते हैं पहले ये 0.7 रहा हो, ये 0.7 रहा हो, दोनों बढ़ गए, 0.8 हो गए, 0.8 हो गए, दोनों का मान बढ़ गया ना, कितना हुआ 1.4, 1.6। पहले के कंपैरिजन में इसका मान बढ़ गया तो बीटा अभी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपने देख लिया बीटा का मान जैसे जैसे किसी कंडक्टिंग वायर के, किसी कंडक्टिंग वायर के, ये वायर है, इसके हम जितना पास जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड हमको उतना ही ज्यादा फील होगा, उतना ही ज्यादा फील होगा। आपने देखा कैसे डी का मान घट रहा है, ये बढ़ रहा है, डी का मान घट रहा है, बी बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। तो ओवरऑल टर्म्स की अगर हम बात करें तो हमारा बी का मान बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये तो था इनफाइनाइट टर्म्स के केस से। दूसरा हमने देखा जैसे जैसे हम पास आते गए तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट आया। कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा था कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की हम बात करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में बंडल ऑफ कंडक्टर आने पर इंडक्टेंस का मान सेंटर पे कम क्यों हो जाता है। कमेंट सेक्शन में पूछा गया था, इसको भी यहीं से हम समझ सकते हैं। तो पहले बंडल कंडक्टर के बारे में जान लें, ये आपके ट्रांसमिशन लाइन का वायर है, इसमें से एक बंडल ऑफ कंडक्टर इस तरह दिखता है। इसमें से अब हम इस फिगर को लेकर के यहां आगे चलेंगे। चार कंडक्टिंग वायर हैं जो कि सीधे सीधे आगे जा रहे हैं। अगर ये आगे जा रहे हैं तो हम इसकी करंट मान लेते हैं कैसी है, आउटवर्ड करंट इधर जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, डॉट पोलैरिटी।
सभी की करंट बाहर साइड निकलते हुए चली जा रही है। किस तरह से? ये कंडक्टर है, इस पॉइंट के डायरेक्शन में करंट चलती चली जा रही है। अगर ऐसा है तो इस कंडक्टर वायर के कारण इस फील्ड पे, मतलब इस पी पे कैसा फील्ड प्रोड्यूस होगा? सर्कुलर। आपने देखा था अगर कंडक्टिंग वायर पे थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन किधर है, इस डायरेक्शन में फील्ड घुमाएंगे। इस तरह से हमने रख के इसको गोल घुमा दिया, तो अब ये इस तरह से मोशन करते हुए गोल गोल घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इधर इधर ऐसे ऐसे चार डायरेक्शन में घूम गया। वैसे ही इसके साथ देखिएगा नीचे पी, इसके इस पोर्शन पे इसके साथ भी ऐसे ही है, ये ऐसे घूम रहा है। इधर से घूमते हुए जाएगा, इस तरह से घूमते हुए तो ये भी ऐसे ही रोटेशन करेगा। हमने मान लिया इसकी डायरेक्शन भी सेम है इस तरीके से, ऐसा इसके साथ भी बना सकते हैं, सेम आएगी। अब इस वायर पे देखिएगा, इस पे भी ऐसे ही है, ऐसे ही घूमेगा। इसके कारण ऐसे घूम रहा है तो ये यहां आ गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, इधर ऐसे गया। चलिए अब हम आगे देखेंगे। हमने बना लिए हैं सारे वायर्स पे। अब हर जगह ध्यान दीजिएगा, बाहर के हिस्से पे तो सेम दिख रहा है, बाहर के हिस्से पे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन अंदर के हिस्से पे कुछ हमें मिल गया। देखिएगा क्या, ये डायरेक्शन नीचे है, ये इधर आ रही है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कैंसल, एक दूसरे को रिवर्स कर रहे हैं, मतलब एक हिस्सा दूसरे के हिस्से को अपोज कर रहा है। इधर देखिए, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक दूसरे का अपोज। इसमें ये नीचे, ये ऊपर, एक दूसरे का क्या कर रहा है, अपोज। सेम प्रोसेस अब पॉइंट पी पे देखिए, ब्लू वाली लाइन ये इधर से घूम के इधर आ रही है, ऐसे घूम रही है ये, लेकिन ठीक अपोजिट काली वाली लाइन ऊपर जा रही है, एक दूसरे का अपोज। वैसे ही रेड वाली लाइन्स में देखिएगा, एक हिस्सा इधर जा रहा है, एक हिस्सा इधर जा रहा है, तो एक दूसरे का क्या हो रहा है, अपोज। अगर दोनों इस तरह से, आपने देखा सेंटर के हिस्से पे, कुल सेंटर के हिस्से पे लगभग यहां से लेकर के इतने पूरे हिस्से की हम बात करें, जो हिस्सा कैंसल कर रहा था हमने इतने हिस्से को मिटा दिया, जो हिस्सा कैंसल हो रहा था हमने इस हिस्से को मिटा दिया। बचा क्या, केवल बाहर बाहर के हिस्से पे बच गई फ्लक्स, बच गई कि नहीं, अंदर के हिस्से पे कुछ मिला, कुछ नहीं। पी, पी पे फ्लक्स का मान क्या हो गया, निल या मिनिमम। फ्लक्स की वैल्यू कम होती चली गई, फ्लक्स और इंडक्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, L इज प्रोपोर्शनल टू पाई, फ्लक्स कम L कम। आपने पढ़ रखा होगा बंडल ऑफ कंडक्टर में सेंटर की तरफ बढ़ने पर इंडक्टेंस का मान मिनिमम हो जाता है इन ट्रांसमिशन लाइन।
यही कारण है कि ये क्यों मिनिमम हो जाता है। क्लियर हो तो आज के लिए यही छोड़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे एम्पियर सर्किट लॉ। थैंक यू। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।